फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो स्टूडेंट 3.0 का एग्जामिनेशन दिए हैं, वह सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी एजुकेशन मिनिस्टर्स सुनील जी के द्वारा जो विधानसभा में बोला गया था कि 1.60 लाख जो आपका नियुक्ति जो है वह की जाएगी, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको वहां पे हम लोग शेयर करेंगे। ये बहुत सारे ग्रुप में चल रहा है कि 1.60 लाख जो वैकेंसीज है वो आएगी कि नहीं। ठीक है, और जो कंप्यूटर का जो चल रहा है 26,000, क्या यह कंप्यूटर में आएगी वैकेंसी या इसका हो चुका है, वह सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग को यह भी करना है कि हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बतलाएंगे ही, और आपको भी कमेंट करके बतलाना है कि इसके अनुसार जो है क्या हो सकता है, वैकेंसी आ सकता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स इसमें 5500 सब्सक्राइबर है इस चैनल का, और सारे स्टूडेंट को बतलाना है कि क्या क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही डाउट है इससे रिलेटेड, और बहुत ही कमेंट आता है आपका टेलीग्राम चैनल पे भी या ऐसे भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे यह विधानसभा का जो बोला गया था उनके द्वारा, वह यहाँ पे स्टेटमेंट है उनका, पूरा स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति इससे संबंधित उनके द्वारा बोला गया था, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से दो चरणों में 1,73,064 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति कर ऐतिहासिक समय में योगदान करा दिया गया है। मतलब 1.73 लाख जो है टीचर्स का बहाली 1.0 और 2.0 के मिला के जो है ज्वाइनिंग किया जा चुका है, जो देश के लिए एक मिसाल और राज के लिए गौरवान्वित करता है। ठीक है, यह इनके द्वारा बोला गया है। उसके बाद जो उनके द्वारा बोला गया था, प्रक्रियाधीन नियुक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रक्रियाधीन कहने का मतलब जो अभी चल रहा है, मतलब नियुक्ति होने वाला नहीं है, नियुक्ति जो आपका चल रहा है। विभाग में कुल, मतलब टोटल बोला जा रहा है, ये नहीं कि सिर्फ आपका टीचर के लिए है, विभाग में कुल 1,60,000 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। कहने का मतलब मेरे अनुसार कि 1.60 लाख जो था यह सिर्फ टीचर का वैकेंसी नहीं था, ये विभाग लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विभाग में कुल, मतलब शिक्षा विभाग में कुल जो है आपका 1,60,082 वैकेंसी जो आपका प्रक्रियाधीन है, जिसकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका बिहार विधानसभा से हम लोग लिए हैं, बिहार विधानसभा का रेफरेंस है, आप भी वहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। चाहे आप कमेंट कीजिएगा तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे ये पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ से डाउट होता है कि यह वैकेंसी जो है अभी जो चल रहा है उसके बारे में बोला गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, विद्यालय अध्यापक लिखा हुआ है, मतलब जो TRE 3.0 हुआ है उसमें आप पद देखिएगा एडवर्टाइजमेंट में जो बीपीएससी का है, उसमें 87,774 सीट है, पूरा एक्यूरेट है, 87,774 जो अभी आपका विद्यालय अध्यापक का चल रहा है TRE 3.0 का। और इसमें भी जो आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर भी जारी हुआ है उसमें भी आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके, जो आपका नया कैलेंडर जो आपका अपडेट हुआ है उसमें देखिए, स्कूल टीचर री एग्जाम जो हुआ है वह 87,774 जो आपका एग्जामिनेशन हो चुका है TRE 3.0। सेम सीट आप यहाँ पे देखिए कि सेम सीट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे यह चीज़ होता है, यह वैकेंसी न्यू वैकेंसी के बारे में नहीं बोला गया 4.0 के बारे में, यह वैकेंसी अभी आपका चल रही है 3.0, उसके बारे में बोला गया है कि 87,774 आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन कैलेंडर से भी आपका जो मैच कर रहा है उसमें भी जो आपका मेंशन है। अगर यहाँ पे पद अगर डिफरेंट रहता, यहाँ पे रहता 1,00,000 कुछ रहता, चाहे आपका 94,000 97,000 रहता, तब आपका न्यू वैकेंसी के बारे में यहाँ पे होता, अगर मिस मैच होता तो। सेम आपका मैच कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, प्रधान शिक्षक जो प्रारंभिक विद्यालय का है,
ठीक है, जो प्रारंभिक विद्यालय का जो लिया गया है उसमें आप देखिए 40,247 पद, आप यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हेड टीचर है 10 में 40,247 पद हेड टीचर। इसलिए भी एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रक्रियाधीन कहने का मतलब जो वैकेंसी आपका पहले से जो है आपका काम उस पर चल रहा है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसका प्रोसेस में है, मतलब ज्वाइनिंग उनको मिलेगा। उसके बाद आप देखिए प्रधान शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय का है, जो मिडिल स्कूल का है, उसके लिए 61 मतलब 6,061 पद आप यहाँ पे दे सकते हैं। 9 नंबर में भी आपका दिया हुआ है 64 मतलब ये वैकेंसी भी जो है आपका एग्जामिनेशन इसका कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत बहुत जो यूट्यूब चैनल है या सर के लोग के द्वारा बताया गया कि 1.60 लाख न्यू वैकेंसी है 4.0 के लिए, ऐसा नहीं है। यह वैकेंसी जो आपका पहले से ही प्रक्रियाधीन है, आप एग्जामिनेशन कैलेंडर से भी एज टू एज मिल रहा है, ठीक है। अगर पद में जो आपका पद जो गिवेन था वैकेंसी का, अगर यह डिफरेंट रहता तब वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता कि हाँ कि 97,000 पद आ रहा है चाहे 1 लाख कुछ पद आ रहा है, लेकिन सेम टू सेम आपका मैच कर रहा है, जो एग्जामिनेशन कम्प्लीट हो चुका है। और एक चीज़ जो मेन डाउट है जो हम लोग के लिए है, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए, आप यहाँ पे देखिए कंप्यूटर शिक्षक, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय कहने का मतलब होता है 9-10 कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे 26,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 100% आपको हम बतला सकते हैं फुल गारंटी के साथ कि अभी तक जो है बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में 9-10 कंप्यूटर का वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। शिक्षा विभाग में आपका जो 26,000 पद जो है 9-10 का वैकेंसी आई है, लेकिन आपका BC EBC कल्याण विभाग में आया था, वो 32.0 में आया था 9-10 कंप्यूटर का। उसके बाद जो है आपका SC ST कल्याण विभाग में आया है, वो भी 6-10 कंप्यूटर का, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग में जो है 26,000 पद के लिए चाहे एक भी पद के लिए वैकेंसी जो है आपका कंप्यूटर शिक्षक का नहीं आया है। तो यहाँ पे यही डाउट है सिर्फ कंप्यूटर वाले का कि जो कंप्यूटर का तो अभी तक जो है आपका रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, तो वैकेंसी प्रक्रियाधीन कैसे है, यही बड़ा कन्फ्यूजन्स है कि जो प्रक्रियाधीन नियुक्ति जो बोला गया है 26,000 पद कंप्यूटर शिक्षक का, जो आपका विधानसभा के वेबसाइट पर मैंसन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका, लेकिन अभी तक जो है ना BPSC के द्वारा ना शिक्षा विभाग के द्वारा 26,000 पद के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि हम यहाँ पे बहाली लिए हैं। चाहे आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर भी आप देखिएगा तो उसमें भी आपका मेंशन नहीं है कंप्यूटर शिक्षक का। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है, और आपको भी बतलाना है कमेंट करके कि यो जो यहाँ जो 26,000 लिखा गया है क्या यह बहाली हुआ है कि नहीं। यह बहाली जो है अभी तक मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 9-10 के लिए जो अभी तक बहाली अभी जो है शिक्षा विभाग के द्वारा लिया ही नहीं गया है, सिर्फ आपका 11th और 12th का भी चल रहा है और जो अभी हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन डाउट आपको यहाँ पे हो गया 26,000 कंप्यूटर्स के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है, यह सिर्फ यहाँ पे अनुमानित है, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा पता नहीं। यहाँ पे जो 26,000 जो वैकेंसीज है यहाँ पे प्रक्रियाधीन नियुक्ति में है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि सारा का रोस्टर बनाने के लिए फिर से दिया गया है, रोस्टर जो है आपका 1-5 के लिए भी, 6-8 के लिए भी, 9-10 के लिए भी, 11 और 12 के लिए भी फिर से न्यू रोस्टर बनेगा। और जो यहाँ पे आरक्षण का जो प्रावधान जो हटा है, जो 65% के अकॉर्डिंग जो आपका आ गया था, इसको भी जो है हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिससे कारण जो आपका फिर से रोस्टर बन रहा है, ठीक है। तो अब 50% के अकॉर्डिंग आपका रोस्टर तैयार किया जा रहा है, मतलब फिर से न्यू वैकेंसी जो है आपका उसमें किया जाएगा कौन कैटेगरी या कितना वैकेंसीज होगा। और एक बात और, ये रोस्टर से संबंधित न्यूज़ जो है आपका, ये अभी नहीं कि सिर्फ रिजर्वेशन के समय ही आया है कि रोस्टर फिर से बनेगा। आप देखे होंगे कि 3.0 का जो जिसमें फॉर्म फिलअप हुआ था वैकेंसी आउट होने के बाद, उसके बाद भी आया था न्यूज़ में, अब मेरा चैनल पर भी वीडियो अवेलेबल होगा कि रोस्टर जो है फिर रद्द कर दिया गया 3.0 का, ठीक है। जो पेपर में ही कटिंग आया था जिसको हम चलाए थे इस चैनल पर कि जो आपका जो है रोस्टर जो है आपका रद्द कर दिया गया, फिर से रोस्टर नया तैयार किया जाएगा। और आप देखिए कि फिर से न्यू रोस्टर बन रहा है, तो हो सकता है कि अगर प्रक्रियाधीन वैकेंसी में अगर यहाँ पे डाला गया है
तो हो सकता है कि इस वैकेंसी को जो है क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है बीपीएससी के द्वारा वहाँ पे मेंशन होता है कि जो वैकेंसी होती है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जो सीट जो है उसको घटाया भी जा सकता है और आपका बढ़ाया भी जा सकता है, वहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं, जितने भी वैकेंसी आती है उसमें आपका मेंशन होता है कि बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है आपका वैकेंसी का नंबर ऑफ सीट। तो हो सकता है कि आपका जो ये वैकेंसीज है वो 3.0 में भी कुछ सीट जो है इसमें देखने को मिल सकता है कि ऐड कर सकता है, ये संभावित है कि ऐड कर सकता है। नहीं तो आप यहाँ पे पूरा ख्याल रखिए इसको तो इस सीट पे जो है आपका बहाली होनी ही है, इस सीट पर तो आपका अभी आपका एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है। 26 में बतलाया जा रहा है जो 9 to 10 में तो अभी तक बहाली हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ तो 3.0 में ऐड करेगा कि नहीं, यह भी सस्पिशंस है, ऐड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर ऐड नहीं हुआ तो 26,000 जो वैकेंसीज है, जो भी कंप्यूटर का वैकेंसीज होगा 9 to 10 के लिए, यह आपका 4.0 में देखने को मिलेगा। लेकिन 4.0 में देखने को तब मिलता जब वहाँ पे क्लियर मेंशन होता कि यह जो 4.0 के लिए इतना सीट आ रही है, यहाँ पे तो प्रक्रिया दिन में डाल दिया गया है। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, हम भी नहीं क्लियर कर सकते कि 3.0 में ऐड ही हो जाएगा, लेकिन आपका ऐड भी हुआ या नहीं भी हुआ तो 4.0 में आएगा। यह वैकेंसी पे जो है कंप्यूटर शिक्षक के लिए बहुत ही कन्फ्यूजन्स है। यह तीनों तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सारा वैकेंसी का एग्जामिनेशन लिया जा चुका है। और एक चीज़ और इससे डाउट की होता है, आप यहाँ पे देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ध्यान दें कि विधानसभा से बीते दिनों शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई है वह नई भर्ती के बारे में नहीं है, बल्कि जो वर्तमान में बहाल प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में कहा गया है। यह बात तो सही है, क्योंकि वहाँ पे आप देख चुके हैं विधानसभा के वेबसाइट से भी जो उनका स्टेटमेंट है, और जो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसमें भी आप देख लिए, दोनों आपका मैच कर रहा है नंबर सीट, जो सीट बताया गया वही सीट पर आपका एग्जामिनेशन हो चुका है। तो यहाँ पर जो बजट में बोला गया उसके लिए बजट पास किया गया है, ठीक है, उनको जो पेमेंट होगा उसके रिगार्डिंग उसमें बोला गया था। और प्रक्रियाधीन पदों की संख्या जो है इस प्रकार है जो आपका लिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो लिख दिया गया है कंप्यूटर शिक्षा का माध्यमिक 9 to 10 परीक्षा संपन्न, इसका तो एग्जामिनेशन भी हुआ नहीं है। यही सब डाउट होता है, सिर्फ कंप्यूटर शिक्षा का डाउट हो रहा है, ठीक है। अब एक और पेपर में कठिन आया था, आप यहाँ पर देखिए कि अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा लेने का मिलेगा मौका, ठीक है, इस दिन आपका आया होगा। लेकिन इस पेपर में भी बतलाया गया है कि अब सरकार जो है 1.6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है, डायरेक्ट जो वहां पर से ले लिया गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, जो बोला गया था कि 1.60 लाख शिक्षक की नियुक्ति की जानी है। तो यही सब चीज़ से कन्फ्यूजन होता है, पेपर में दिया है कि 1.60 लाख नियुक्ति होगी फिर से नया, और वहाँ पर स्टेटमेंट में बतलाया गया कि वह प्रक्रियाधीन है। अब देखिए यही सब कन्फ्यूजन है, आपको भी कमेंट करके बतलाना है कि क्या क्या हो सकता है, कि नया 4.0 में आएगा या प्रक्रियाधीन है, इसका मतलब वही जो सीट चल रहा है उसी पे है। आप यहाँ पे देखिए एक और बार आया है इसका कि 1.60 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति TRE में 5 मौके। देखिए इस पेपर में भी दिया गया है कि शिक्षकों की होगी नियुक्ति, ये नहीं बताया जा रहा है कि आपका नियुक्ति हो चुकी है या प्रक्रियाधीन नियुक्ति है, या पेपर के द्वारा जो है मेंशन नहीं किया गया है। तो यही सब देख के जो है बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है। और जदयू के तरफ से जो आपका एक ट्वीट किया गया था, ठीक है, CM ऑफ बिहार के तरफ से, कि बधाई बिहार, राज्य को 1.60 लाख शिक्षक जल्द मिलेंगे। जल्द मिलेंगे कहने का मतलब क्या हुआ, कि नया नियुक्ति होगी या प्रक्रियाधीन है उसको जो है जल्द ज्वाइनिंग मिल जाएगा। यह बहुत सारे कन्फ्यूजन से यहाँ पे क्रिएट होता है। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि शीघ्र शुरू होगी चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया, तो जल्दी जो है आपका चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया चालू होने वाली है। और यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य को 1.60 लाख शिक्षक जल्द मिलेंगे। आप इससे क्या समझते हैं, आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। हम तो यहाँ खुद से एनालिसिस करते हैं, अब जितने लोग वीडियो देखिएगा वो सारे लोग को आपको अपना ओवरव्यू रखना है, क्या यह 26,000 वैकेंसी जो है आपका 4.0 में आ रही है या इसका पहले से बहाली हो चुका है। लेकिन बहाली तो आपका 100% गारंटी हम दे रहे हैं कि इसका कोई बहाली हुआ नहीं है अभी तक 9 to 10 कंप्यूटर का, या आपका नया बहाली ही है। क्या इसको 3.0 में ही ऐड कर दिया जा सकता है,
यह पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट को दुखी करने का मैं निर्देश नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन था जो बहुत सारे ग्रुप में चल रहा था उसका हम लोग एनालिसिस किए, और जो भी पेपर कटिंग आया हुआ था अभी अनाउंस करने के बाद वह सारा चीज़ प्रूफ हम आपको दिखा दिए हैं। आप खुद से एनालिसिस कीजिए और वहाँ पे हमको कमेंट में बतलाइए। अगर इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको है कि सर इससे ई हो सकता है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी देखेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है। और जदयू के तरफ से भी जो यहाँ पे ट्वीट किया गया था इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या ओवरव्यू रखते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी 3.0 या 4.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।